ये देखिए भाई लोग, ये अब प्लेस नेम दिस इज एशिया अफ्रीका स्ट्रीट। एशिया अफ्रीका स्ट्रीट। ये देखो ये कौन सा करेक्टर है? डोंट शूट मी। ओके खतरनाक यार, ये अफ्रीका एशिया जो है वो है स्ट्रीट है। गुड आफ्टरनून गाइस और वेलकम बैक मेरे साउथ ईस्ट एशिया ट्रिप के अंदर। इस वक्त हूँ जी मैं बंदुंग में। ये इंडोनेशिया का शहर है, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा शहर है, बहुत खूबसूरत है। आपने देखा कि मैं हाई स्पीड ट्रेन से यहाँ आया जकार्ता से, और ये मेरा होटल है। सिंपल सा रूम मैंने लिया है सिर्फ $8 पर नाइट का, $8 तकरीबन 2200 पाकिस्तानी बनेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ ना कि अकोमोडेशन बहुत सस्ती है, बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं। और बंदुंग जो है एक तारीखी शहर है इंडोनेशिया का, और यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते बाहर से, अंग्रेज़ गोरे वगैरह नहीं आते, लेकिन ये इंडोनेशियन लोगों के लिए बहुत मशहूर जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन है। स्पेशली जावा वगैरह और जो करीब करीब के सिटीज़ हैं ना, वहाँ से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, ख़ास तौर पर वीकेंड में, क्योंकि ये चारों तरफ जो है पहाड़ है। बंदुंग के चारों तरफ ग्रीनरी है, खूबसूरत मौसम बहुत ज़बरदस्त होता है। अभी भी इस वक्त भी यहाँ का मौसम जो है वो ठंडा है जकार्ता के बनिस्बत, तो इसीलिए लोग यहाँ पे वीकेंड में आते हैं, हफ्ता इतवार गुजार के वापस चले जाते हैं, क्योंकि अपनी कार में सिर्फ 2 घंटे में आप पहुँच सकते हैं। और अभी जो वो बनी है जो फास्ट ट्रेन है, तो वो तो 30 मिनट में पहुँचा देती है यहाँ पर। इसकी सबसे ख़ास बात यह है बंदुंग की कि एक एक्टिव वालकानो है यहाँ पे, वो कल मैं विज़िट करूँगा इंशाल्लाह। वालकानो मींस जो लावा निकलता है ना ज़मीन से, वो बड़ी ख़ूबसूरत चीज़ है, वो बहुत कम जगह पे है दुनिया में, जिसमें एक ये शहर है जहाँ पे आपको वो एक्टिव मिलेगा, राइट। तो मैं कल जाऊँगा, आज मैं पहुँचा था दोपहर में, तो अभी 4 बजे का टाइम है, रूम से मैं निकला हूँ। अभी आपको यहाँ पर कुछ जगह दिखाता हूँ, एक इनका स्क्वायर वगैरह है, एक मस्जिद है, और भी छोटी छोटी यहाँ पे, सिटी सेंटर में ही मैं रुका हुआ हूँ, तो आपको भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा, क्योंकि एक बहुत तारीखी शहर है। इसकी मज़ीद मालूमात मैं थोड़ी देर बाद आपको देता हूँ। अच्छा गाइस, यहाँ बंदुंग में भी बहुत रश होता है जकार्ता की तरह, ये आप देख सकते हो इतने ज़्यादा बाइक्स और गाड़ियाँ हैं। और ये मेरे बैकग्राउंड में जो है ना अफ्रीका एशिया म्यूज़ियम है, बहुत तारीखी, लेकिन ये भी बंद है क्योंकि 3 बजे तक ये ओपन होता है। इसकी अब आपको मैं हिस्ट्री बताता हूँ कि अफ्रीका और एशिया कॉन्फ्रेंस और ये म्यूज़ियम क्या चीज़ है। ये देखिए भाई लोग, ये अब प्लेस नेम दिस इज एशिया अफ्रीका स्ट्रीट। एशिया अफ्रीका स्ट्रीट पे आप देख सकते हो ये इतने ज़्यादा करेक्टर जो है वो खड़े हैं। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज रेसा। नो, व्हाट इज योर करेक्टर? दिस इज मिनाको। मिनाको, यस, गोस्ट जापान। जापान, ओके, जापानी करेक्टर है। ओके, हां, तो थैंक यू। और ये देखो ये कौन सा करेक्टर है? डोंट शूट मी। ओके, ये बहुत सारे यहाँ पे करेक्टर्स और लोग भी जमा है, ये आप देख सकते हो, मुख्तलिफ करेक्टर लोग आके तस्वीरें ले रहे हैं। और आ तो रो,
खतरनाक यार। ये अफ्रीका एशिया जो है वो है स्ट्रीट है, और इस पे ये आज संडे है ना, तो लोग आए हुए ये करेक्टर्स के साथ तस्वीरें ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो ये म्यूजियम है बैकग्राउंड में, अभी बंद है। तो म्यूजियम के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि जब इंडोनेशिया आज़ाद हुआ था ना, तो उसके 10 साल बाद यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी एशिया और अफ्रीका की, जिसमें तकरीबन 28 मुल्कों ने हिस्सा लिया था। और उसके बाद जो ये कॉन्फ्रेंस पर नहीं हुई, लेकिन वो बड़ा तारीखी तौर पर इन्होंने कॉन्फ्रेंस करवाई थी यहाँ पर ना, जिसके बाद अब इसका म्यूजियम भी बना हुआ यहीं पर, और उसको लोग विज़िट करते हैं। उस कॉन्फ्रेंस के हवाले से तमाम चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो उसी नाम से ये स्ट्रीट भी है, जलान एशिया अफ्रीका स्ट्रीट, यानी जलान यहाँ पे मतलब स्ट्रीट को कहते हैं, राइट। तो ये उस टाइम से, यानी तकरीबन आप कह लो कि कोई 60-70 साल से ये चल रहा है, ये जो स्ट्रीट है। लोग अभी भी आके यहाँ पे तस्वीरें लेते हैं, साथ में ये दरिया आप देख सकते हो। तो बड़ा एक ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है यहाँ पर, ये लोकल यंग बच्चे देख सकते हो, लड़का लड़की यहीं पर आके जो है अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और फैमिलीज़ भी आती है ख़ास तौर पे संडे के दिन। इसके अलावा बंदूक के हवाले से आपको बताता चलूँ कि ये पहले जो है ना इंडोनेशिया का कैपिटल भी रह चुका है, जकार्ता की जगह, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है डच लोगों ने हुकूमत की थी, जैसे पाकिस्तान पे ब्रिटिश ने हुकूमत की है ना बहुत 100 साल तक, इसी तरह यहाँ पर 350 साल तक जो डच है, हॉलैंड है, उन्होंने हुकूमत की है। तो उन्होंने इसको जो है ना वो किया था, क्या कहते हैं, इसको कैपिटल बनाया था। अभी तो जकार्ता कैपिटल है, लेकिन ये पुराना कैपिटल है इंडोनेशिया का। तो इस हवाले से काफ़ी तारीखी जगह है, और इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है तारीख के हवाले से, इसीलिए यहाँ पे आपको डेवलपमेंट भी नज़र आएगी, डच आर्किटेक्चर भी नज़र आएगा, नई सिटी भी नज़र आएगी, और थोड़ा डिफरेंट है जकार्ता से। मतलब ट्रैफिक यहाँ भी लोग ज़्यादा, 1 करोड़ की तकरीबन आबादी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रोड्स थोड़े कुल्ले कुल्ले है जकार्ता के बनिस्बत। तो अभी जो है बाहर आया हूँ, और वो एक मस्जिद है इनका यहाँ पे, ग्रैंड मस्जिद उसको कहते हैं सेंट्रल, वो भी विज़िट करूँगा। अभी बाई वॉक जा सकते हैं, और बाकी ये आप हल्ला गुल्ला देख सकते हो लोगों का। वाह जी वाह, पुलिस की गाड़ी चेक करो कितनी ज़बरदस्त है भाई। ये तो रात को मैं ख्वाब में डर जाऊंगा इन लोगों को देख के। ये देखिए गाइस, एक खूबसूरत बिल्डिंग है, यहाँ के मशहूर बैंक है उसका जो है ना वो टावर है यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये डाउनटाउन है बंदूंग, सामने मस्जिद है, अभी आपको लेकर जाऊँगा। तो अच्छी बात यह है कि सारी चीज़ें तकरीबन एक जगह पे है सिटी के अंदर, बहुत खूबसूरत बना हुआ है आप देख सकते हो, ये फुटपाथ वगैरह। गाइस बंदूंग में ये सामने मस्जिद है, अभी मैं मस्जिद जाके आपको दिखाता हूँ। ये सबसे बड़ी मस्जिद है राइट, यहाँ पे सेंट्रल और बिल्कुल सिटी सेंटर में है। उसके सामने ये बंदा वो बेच रहा है मैंगो। मैंगो का आपको मैं बताऊँ ना, बिल्कुल पाकिस्तान जैसा टेस्ट होता है, जैसे पाकिस्तान में टेस्ट है मैंगो का, मीठा होता है चौंसा टाइप, वो इधर भी है आप देख सकते हो। ये बंदा बेच रहा है तरबूज और ये पाइनएप्पल और मैंगो वगैरह $1 का, 15,000-20,000 जो कि तकरीबन $1 बनता है, और सिंपल सा फूड है ये। बाइक्स बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बताऊँ ना कि इंडोनेशिया में किसी भी सिटी में आप जाते हो तो बाइक्स ही बाइक्स आपको नज़र आते हैं, लड़कियाँ भी बाइक चलाती है, लड़के भी बाइक चलाते हैं, और एक डेली सवारी है, इलेक्ट्रिकल बाइक्स बहुत है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। ये मस्जिद है, इसके सामने वही छोटे छोटे दुकानदार जमा हैं। हेलो, व्हाट इज दिस? सॉसेज, चिकन सॉसेज। ओके, हाउ मच?
How much? One. One for 10,000. Yeah. Oh, okay, okay. No, I'm just eating. ठीक है, ओके. रेट डबल बता रहा है यार मुझे देख के. अभी आपको दिखाता हूँ ये मस्जिद, बहुत खूबसूरत मस्जिद है और बहुत सारे लोग यहाँ पे विज़िट करने आते हैं इसको. मस्जिद के सामने ये बहुत ज़बरदस्त माहौल इसलिए बना हुआ है क्योंकि ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं. ज़्यादातर यहाँ की लोकल पॉपुलेशन आपको नज़र आती है, बच्चे वगैरह. आज संडे है तो रश मेरे ख्याल से ज़्यादा है. ये है मस्जिद, मस्जिद राया बंदुंग. मस्जिद राया बंदुंग जावा बारा. जावा मतलब ये वेस्ट जावा के अंदर है. वाटर, आई हैव वाटर. यू वांट टू ईट दिस? ओके. वन. थैंक यू वेरी मच. This is the main mosque, right? Yeah. Masjid. Okay, main masjid. Big masjid in Bandung. Okay. ये सबसे बड़ा मस्जिद है. अभी इसके अंदर जाके आपको दिखाता हूँ. ये रश देख सकते हो यहाँ पे. ये ग्राउंड है, ये आर्टिफिशियल ग्रास है, ठीक है. ये ओरिजिनल ग्रास नहीं है, आर्टिफिशियल ग्रास है. इसमें ये बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल वगैरह, क्रिकेट वगैरह. और अभी जो है ये थोड़ा सा काता हूँ ना, जो मैंगो मैंने लिया है 15,000 में, यानी कि $1 में. ये खाने के बाद आपको ये मस्जिद का अंदर का हिस्सा दिखाता हूँ. ये मस्जिद के लिए चप्पल रखने की जगह चाबी के साथ. ये चाबी लगा ली, 38 नंबर का बॉक्स है. और ये मस्जिद है. बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह से. आप देख सकते हो आगे चलते जाओ चलते जाओ. लोग आराम कर रहे हैं. अच्छा जी, काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये बंदुंग सिटी के अंदर. और जकार्ता में जो इस्तिक्लाल मॉस्क है वो तो बहुत बड़ी है, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी है. लेकिन ये भी काफ़ी बड़ी है. इसमें भी मेरे ख्याल से आराम से जो है ना 10-15,000 लोग जो है एक टाइम पे आ सकते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए. और यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है, जो भी मस्जिद है ना उसमें ख़वातीन और मर्द हज़रात दोनों एक साथ जा सकते हैं. यानी कि नमाज़ पढ़ने की जगह होती है दोनों के लिए, कि मर्द भी जो है हज़रात और ख़वातीन भी. सिर्फ सामने मस्जिद दोनों एक दूसरे को नज़र आते हैं, बस सिर्फ अलग अलग सेक्शन होते हैं. और इस वक्त जो है आपको मैं बताता चलूं कि बारिश शुरू हो चुकी है. हेलो, व्हाट इज दिस? यूकेन हाँ, मनी 2000. ओके ओके, ये देखो. Indonesian song. Indonesia. Okay, you speak English? Fine. No? English, no? No.
ओके ओके, दिस इज लोकल। ये देखिए पीछे मस्जिद है और सामने भाई जो है ना वो म्यूजिक बजा रहा है। तो ये है इंडोनेशिया की खूबसूरती। इंडोनेशिया, गुड गुड, लाइक, यस यस, पैसे मांग रहा है, कह रहे हैं म्यूजिक तो बजाए लेकिन पैसे देना जरूरी है, राइट? ओके ओके गाइज, ये चेक करो बारिश और वो भी इतनी तेज। सब लोग जो है फंस गए हैं, जिनके पास छतरियां हैं तो ठीक है, नहीं तो ये बारिश है बहुत तेज़। और इंडोनेशिया ना ट्रॉपिकल कंट्री है, ख़ास तौर पे ये बंदुंग जो है यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, किसी भी टाइम शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक वगैरह जा रही है। इनके लोकल बसेज है, बहुत खूबसूरत है, छोटे छोटे। अभी अभी कुछ भी नहीं था और अभी अचानक से जो है ना बारिश शुरू हुई है, ख़तरनाक और तेज़ बारिश। गाइस बंदुंग में ना, बंदुंग में ये मिनी बसेस भी चलती है, बड़ी बड़ी वाली खूबसूरत, और ये वैन्स भी चलती है, ये बिल्कुल वैगन की तरह है जो पाकिस्तान में होती है। इसमें पुरानी है थोड़ी, लेकिन ठीक है, ये पूरी सिटी में ये चल पड़ती है और 10-12 लोग इसमें आ जाते हैं। ये बहुत सारे लोग यहाँ पे वेट भी कर रहे हैं। ये देखिए स्ट्रीट फूड और बस स्टॉप है बेसिकली, यहाँ पे ये वेट कर रहे हैं पैसेंजर्स और ये लोग वेंडर्स बैठे हुए चीज़ें बेच रहे हैं। और म्यूजिक, वाओ, म्यूजिक वाला भी आपने देखा, पैसे मांग रहा था। तो बारिश थोड़ी सी रुक गई है मेरे ख्याल से, 5-10 मिनट बारिश हुई है और उसके बाद जो है अभी मामला मुझे क्लियर नज़र आ रहा है। दैट्स सिटी सेंटर बंदुंग गाइस फॉर यू, रश देख लो गाइस। इस सिटी में ना आप ये ग्रीनरी चेक करें, हर तरफ ये घने दरख्त है। ये एक और व्यू आपको दिखाता हूँ, ये जो मस्जिद के सामने वो है ना ग्राउंड, अभी बारिश ने इसको धो दिया है। सामने वो बिल्डिंग भी नज़र आ रही है और वो मीनार है मस्जिद का। और ग्रीनरी चेक करें, बहुत ज़्यादा ये ग्रीनरी से जो है ना ढका हुआ है सिटी। जितने भी आपको ये जो स्ट्रीट्स नज़र आते हैं ना, इसमें ये बड़े बड़े ट्रीज़ आपको नज़र आएंगे। इसकी वजह से इस शहर की खूबसूरती में बहुत इजाफा हो जाता है मेरे ख्याल से। ये मस्जिद अभी मैंने विज़िट की है, इसका मेन एंट्रेंस यहाँ से है, आप देख सकते हो। मैंने वो पिछले वाले साइड से विज़िट की थी। अच्छा गाइस, यहाँ बंदूक में ना एक छोटी सी बस चलती है, ओपन, बहुत खूबसूरत बस होती है, ट्रॉली टाइप। अभी मैंने रोडों पे भी देखी है, मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया है। वो 45 मिनट का सिटी टूर करवाती है और तमाम अट्रैक्शंस आपको 45 मिनट के अंदर जो है वो बता देती है, मतलब आप 10 स्टॉप्स है उसके, जैसे होप ऑफ होप ऑन बस होती है। और टिकट भी इतना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 20,000 यानी कि $1.50, लेकिन वो बदकिस्मती से 5 बजे जो है बंद हो जाती है। कल मैं ट्राई करूँगा कि उसको मैं ले लूँ। उसके बाद अभी मैं आपको ये यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल भी है बंदुंग में बड़ा, लेकिन मैं आपको स्ट्रीट दिखाता हूँ जिसमें लोकल फूड और बाकी ब्रांड्स वगैरह भी है, और एक हला गुला है यहाँ पे, ये आपको दिखाता हूँ। डंकन एंड डोनट्स की शॉप सबसे पहले, उसके बाद चश्मे, लोकल फूड इंडोनेशियन कुछ ट्राई भी करते हैं। और हेलो, व्हाट आर यू सेलिंग? हेलो, व्हाट आर यू सेलिंग? सॉसेज, विच, चिकन? दिस इज चिकन, ओके। How much is one? 15,000 2. Okay. Bye. Thank you very much. यहाँ पे यार इंग्लिश का बड़ा मसला है। शहर अच्छा है, खूबसूरत है, लेकिन इंग्लिश नहीं, इंग्लिश से दुश्मनी है इनकी। ये इतनी बड़ी दुकान है, देखे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कराची की सदर में आ गया हूँ, लेकिन साफ़ सुथरा और जदीद वर्जन सदर का। अच्छा, स्ट्रीट फूड यहाँ पे जो है हम लोग खा सकते हैं।
ये आप देख सकते हो एशियन, टिपिकल एशियन स्ट्रीट फूड लाए हो, पक रहा है। और ये देखिए बैठने की जगह है, लोग फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं यहाँ पे इंजॉय करने के लिए, फूड वगैरह खाते हैं और शॉपिंग करते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है यहाँ पे। ये शॉपिंग मॉल का ही हिस्सा है, व्हाट इज दिस, दिस इज डिस्काउंट, सो डिस्काउंट 30%, यस 30% डिस्काउंट है भाई, ये 30%, यस दिस इज हाउ मच आयशा करपर आयशा, हे गाइज, ये बंदूंग का जो सिटी सेंटर है ना उसके दूसरे साइड है, यहाँ पे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बने हुए आप देख सकते हो, एक ही जगह पे जो है ना शॉपिंग मॉल्स हैं। और ये एक शॉपिंग मॉल के अंदर मैं जाता हूँ आपको दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत है, मतलब यहाँ पे मिडिल क्लास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और ये देख सकते हो ये शॉपिंग मॉल है बड़ा खूबसूरत, ये इसकी एंट्री है, शायद अलाउ ना करे वीडियो, लेकिन मैं देखता हूँ आपको कोशिश करता हूँ। ये क्रिसमस का माहौल है ना, तो ये डेकोरेशन आप देख सकते हो, और बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, ये एक नहीं है मल्टीपल है यहाँ पे, और बहुत लग्जरी और ख़ूबसूरत शॉपिंग मॉल है। अभी मैं ज़रा खाने पीने का कुछ ढूँढता हूँ और आपको फिर इसकी प्राइस वग़ैरह बताता हूँ कि इसमें प्राइस वग़ैरह क्या चीज़ है। ये देखिए पिज़्ज़ा हट और मैकडोनल्ड भी नज़र आ रहा है, वाओ गाइस, यहाँ पे तो वॉटसन्स भी है, कॉस्मेटिक ब्रांड है, और डंकन डोनट्स और मैकडोनल्ड। ये है मैकडोनल्ड गाइस, ये है जी इस शॉपिंग मॉल का फूड कोर्ट, बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाया है, लोकल और इंटरनेशनल दोनों ब्रांड्स इसमें अवेलेबल हैं। अच्छा गाइज, ये काफ़ी बड़ा जो है ना फूड कोर्ट है शॉपिंग मॉल में, घूम रहा था बहुत सारे मैंने चेक की है यहाँ पे फूड शॉप्स, ये आप देख सकते हो बहुत सारे लोग बैठे हुए और बहुत सारी शॉप्स है, और ज़्यादातर जो है चिकन वगैरह है, क्रिस्पी चिकन है और पिज़्ज़ा वगैरह है, लोकल ब्रांड में भी बहुत सारे चिकन के वो है, ये लोग चिकन के साथ लाजमी तौर पर चावल खाते हैं, मतलब रोटी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी मैंने इस वाली शॉप से ना ये मंगाया है, चिकन है और ये राइस है, तो ये मैंने ऑर्डर किया है, अभी ये देगा 30,000 यानी $2 में। तो यहाँ पे आटा बिल्कुल भी नहीं है, किस्म से रोटी वगैरह आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ मैकडोनल्ड वगैरह में बर्गर मिलेगा या सबवे वगैरह, उसके अलावा जो है यहाँ पे
रोटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ब्रेड वगैरह नहीं है, क्योंकि महंगा है। मेरे ख्याल से गंदम नहीं है, यहाँ बाहर से आता है, तो लोग सुबह शाम रात हर टाइम जो है चावल खाते हैं यहाँ पे। तो ये चावल हम भी खा रहे हैं, जब से मैं आया हूँ इंडोनेशिया तो चावल ही खा रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मी ओके थैंक यू वेरी मच। ये दिया है भाई, ये इनका फूड है लोकल, ठीक है। इसमें बस राइस लाजमी है, चिकन होता है और बाकी ये चीज़ें हैं। और ये टेबल है, ये इसका इनका सिंपल सा खाना होता है और इसमें मसाला वगैरह भी डालते हैं, मिर्ची भी ये लोग खाते हैं, लेकिन बाकी इतना टेस्टी नहीं होता जैसे हमारा खाना है, लेकिन चीप है इतना। अगर इनका लोकल आपको फूड खाते हैं ना तो $2 to $3 में आराम से मिल जाता है। और मैकडोनल्ड वगैरह तो महंगा है, जैसे मैकडोनल्ड यहाँ पे एक मील आराम से जो है $5 to $6 में आती है। अच्छा गाइस, शाम का टाइम है, मैं अपने रूम में वापस आ गया हूँ। पहला दिन बहुत अच्छा रहा मेरा यहाँ पे बंदूक के अंदर, ये करीब करीब इलाके मैंने विज़िट किए सिटी सेंटर में, और बड़ा मज़ा आया है। लोकल्स भी बहुत फ्रेंडली है, और इंग्लिश का थोड़ा मसला है, लेकिन बाकी जो है मुझे बड़ा, मैंने लोकल फूड भी ट्राई किया है। वीडियो में आपको नहीं दिखा सका, लेकिन मैंने ट्राई किया है, क्योंकि वो क्वांटिटी कम थी जो मैंने शॉपिंग मॉल में खाई थी। तो बहुत अच्छा फूड है, और उसके अलावा जो है इतना महंगा भी नहीं है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही था, मैं तो सिटी टूर भी करना चाह रहा था वो छोटा ट्रॉली के अंदर, लेकिन कोई मसला नहीं, कल इंशाल्लाह उसको ट्राई करेंगे। और अब कल जो है मुझे वो नेचुरल साइड पे भी जाना है, इस सिटी का जो नेचुरल वो है ना पहाड़, और जो मैंने आपको कहा था वॉल्कानो है यहाँ पे एक्टिव, उसको कल विज़िट करूँगा। तो आई होप के मज़ा आ जाएगा। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग ये वाला वीडियो, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द।